हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो 400 वाट का है और 8 घंटा पर डे उसको चलाया जाता है, ठीक। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रेस 3 रुपीज़ पर किलो वाट आवर। बोला कितना पैसा लगेगा अगर उसको 30 दिन चलाएं और 3 रुपया पर किलो वाट आवर की दर से। तो आइए बनाते हैं। रेफ्रिजरेटर है, पावर दिया हुआ है मेरा 400 वाट। और पहले देखिए हमको निकालना पड़ेगा 8 घंटा एक दिन में चलाता है, एक दिन 8 घंटा चलाता है, तो 30 दिन चलाया तो कितना घंटा चलाया। 30 दिन कितना घंटा होगा, तो 30 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 240 घंटा चलाया और इतना वाट का है, यानी कि पर घंटा मेरा 400 वाट ले रहा, तो 240 घंटा में कितना वाट लेगा। 400 वाट मेरा पर घंटा ले रहा पर आवर, तो 240 घंटा में कितना लेगा। 400 × 240 हो जाएगा मेरा 4×16 = 9, 1, 2, 3, ठीक। इतना वाट पर आवर लेगा, यानी कि देखिए पहले पावर था 400 वाट, यानी कि एक घंटा किसी बल्ब को, अगर बल्ब में 9 वाट लिखा हुआ है कि 9 वाट का बल्ब है, तो वो एक घंटा में 9 वाट का चार्ज लेगा, अथी 9 वाट का हाँ लेगा पावर। तो यहाँ था इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का, यानी कि एक घंटा में 400 वाट का पावर लेगा, तो उसको 8 घंटा डेली और 30 दिन के लिए चलाया जाता है। पहले 30 दिन चलाता था 8 घंटा, तो 240 घंटा चलाएगा, और 400 वाट लेता था पर घंटा में, तो 400 × 240 इतना वाट अब लेगा एक घंटा में 30 दिन में, ठीक। पर सॉरी एक घंटा में नहीं लेगा, यह पर आवर होगा। अब देखिए इसको किलोवाट में चेंज कैसे करें, इतना है ना 96 kWh लिख सकते हैं किलोवाट आवर, क्योंकि 1000 का होता है ना, 1000 का जैसे फॉलोवर्स आपका इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे होगा, तो 1000 का होता है, 1000 का मतलब के में लिख देते हैं 1000, उसी तरह यहाँ भी होता है 1000 का के लिख देते हैं, ठीक। 96 kWh होगी। अब 1 kWh का लेता है 3 रुपया, 1 kWh का 3 रुपया, तो 96 kWh का हो जाएगा मेरा 6×18 = 8, बाकी 29×27 = 28, 288 रुपया आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि 1 kWh बराबर ही होता है 1 यूनिट, जो कि आपके घरों में बिजली बिल आता होगा 1 यूनिट। इतना वाट किलो 1000 वाट अगर पावर आपका कंज्यूम हो गया है, तो 1 यूनिट आपका बिजली उड़ जाएगा, और उसी आधार पे यूनिट के आधार पे जैसे 3 रुपया यहाँ लिया, वहाँ पे भी रहता है कि 3 रुपया पर यूनिट लेता है बिजली बिल, इसी तरह आपके घरों में भी बिजली बिल से कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।